नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ ताजा खबरें। कांग्रेस के पूर्वोत्तर राज्यों के नवनियुक्त प्रभारी बने डॉक्टर अजय कुमार झारखंड में पहुंचते हैं। भारतीय जनता पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए, साथ ही साथ डॉक्टर अजय ने जातीय जनगणना को जरूरत बताते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए देश को बेचने के लिए अंग्रेजी के नए नए शब्दों का प्रयोग हो रहा है। स्टेडियम गया, रेलवे स्टेशन गया, एयरपोर्ट गया, हाईवे गया। मुझे तो लग रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार किसी दिन संसद भवन को भी बेचने के लिए नीलामी की घोषणा कर दे और इसके लिए भी अंग्रेजी के एक नए शब्द का प्रयोग होगा। कौन जानता है, मोदी जी बोलते हैं। आपने देखा होगा, पता नहीं, क्योंकि वो बोलते कि वो चाय बेचते थे रेलवे लाइन पे, वो तो अलग कहानी है उसकी। बोले कि रेलवे की संपत्ति तो कोई बेच नहीं सकता है। अब सरकार कह रही है कि हम 400 स्टेशन बेचेंगे, 90 रेलवे ट्रेन बेच डालेंगे, रेलवे कॉरिडोर को बेच देंगे, और यहां तक संतुष्ट नहीं है, अब स्टेडियम भी बेच देंगे। जब ओलंपिक्स हुआ था तो बड़े बड़े पोस्टर मोदी जी के चारों तरफ आपको दिखाई दिया होगा। तो जिस स्टेडियम में नीरज चोपड़ा की ट्रेनिंग हुई थी, जिस स्टेडियम में हमारे बच्चियां हॉकी खेलकर जो है इतनी सुंदर प्रदर्शन किया गया था, आपने देखा, वो सब स्टेडियम भी बेच रहा है सरकार। तो गरीब का पैसा, तो क्योंकि स्टेडियम तो फ्री है तो आप टिकट लेके जाइए या वहां पर कोई आईपीएल होगा। स्टेडियम गया, रेलवे स्टेशन गया, एयरपोर्ट गया, हाईवे गया, मतलब टोल टैक्स। तो ये है मोदी सरकार। मैं तो सोच रहा हूं कि पार्लियामेंट भवन का भी ऑक्शन कब करने वाले, इनका कोई भरोसा नहीं है। और उसको भी जो है नया शब्द अंग्रेजी में गूगल में खोजना पड़ेगा कि इसका नया शब्द उसके लिए भी इस्तेमाल होगा। तो ये मोनेटाइजेशन का जो खेल है, ये सरकार कह रही है कि 4 साल के लिए। कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सचिव हैं, कल के प्रेस, देखिए सरकार के झूठ की कोई सीमा नहीं है, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां के सचिव बोलते हैं, वेयरहाउसिंग सचिव, कि हम 25-30 साल के लिए देंगे निजी क्षेत्र को अपने गोदाम जहां पर धान रखा जाता है फूड कॉरपोरेशन वगैरह द्वारा, गेहूं धान। और निर्मला सीतारामन जी और अमिताभ कांत बोलते हैं 4 साल। तो भारत को बेचने का काम शुरू हो गया। हम दो, हमारे दो, मोदी जी बम बम, और देश जो है देश को धीरे धीरे धरातल पर ले जा रहा है।